अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। एसआई यूनिट आप लोगों के पास क्या होती है, पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी उसकी डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जाकर के मैं आप लोगों को ट्रिक दूंगा कि एसआई यूनिट को आप लोगों ने याद कैसे करना है, इनके बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट को आप लोगों ने कैसे याद करनी है और ये कहाँ कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल भी आप इसको कह सकते हैं। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई और उन्होंने ये फैसला किया गया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसे यूनिट बनाएंगे जो सारे के सारे मुल्कों के अंदर एक ही यूनिट यूज़ हो रहे हो। अब उसका फ़ायदा क्या था? उसका फ़ायदा ये था कि मतलब हर मुल्क में अलग अलग यूनिट यूज़ हो रहे थे। मतलब अगर किसी मुल्क में आपने कपड़ा लेना हो तो वो आपको मीटर के हिसाब से मिलता है, तो दूसरे मुल्क में वो किलोग्राम के हिसाब से मिलता है, तीसरे मुल्क में फुटाने के हिसाब से मिलता है, तीसरे मुल्क में मतलब वो हाथ के साथ इस तरह करके आपको देते थे। तो मतलब अलग अलग यूनिट यूज़ हो रहे थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। अब कन्फ्यूजन सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन थी वो बिजनेसमैन को थी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसकी कन्फ्यूजन थी। मतलब आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं कपड़े को या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जिस हिसाब से वो मांग रहे हैं, जिस हिसाब से आप दे रहे हैं, मतलब कन्फ्यूजन होती थी कि मुझे इतना दे दे, मुझे ये ले ले। इसी तरह सारे के सारे यूनिट इसी तरह के अलग अलग होते थे। किसी मुल्क में अगर आपने ज़मीन खरीदनी हो या आपको एक एक का फतह का लगाना, तो वो बिलों को पूरे दिन वो चढ़ा लेते हैं, जहाँ तक वो पहुँच जाते हैं वो एक एकड़ हो जाता है। तो मतलब एक अलग अलग किस्म के यूनिट यूज हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने हमारे पास ऐसा यूनिट बनाया गया है 1960 में। ऐसा यूनिट की डेफिनेशन तो ये होगी। अब ऐसा यूनिट टोटल आपके पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है बेस यूनिट, पहला नंबर बेस यूनिट, फिर सप्लीमेंट्री यूनिट और फिर ड्राइव यूनिट। अब सबसे पहले बेस यूनिट क्या होता है? बेस यूनिट वो यूनिट होते हैं, याद रखो, गौर से सुनो, बेस यूनिट वो यूनिट होते हैं जो आपके पास हमने नाम दिए गए। मसलन मेरा नाम कुछ किसी ने दिया हुआ है, किसी इसका हम नाम किसी ने इसके ऊपर रखा हुआ है कि ये बोर्ड है, ये मार्कर है। मतलब बेस यूनिट बेसिक उनके यूनिट होते हैं। और बेसिक यूनिट उनके टोटल कितने हैं? बेसिक यूनिट उनके 7 यूनिट है। टोटल उनके कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। याद रखना है, आपने सिर्फ बेस यूनिट को याद रखना है, आपके पास सप्लीमेंट्री और ड्राइव यूनिट खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएंगे। मैं आसान करके आपको समझा रहा हूँ कि आपने करना किस तरह का है। बेस यूनिट आपके पास 7 होते हैं। इनको याद करने का तरीका मैं आपको एक फार्मूला लिख करके दे रहा हूँ, लेम्प्टी टीलस। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये वर्ड है, फार्मूला नहीं, लेम्प्टी टीलस। ये एक वर्ड आप दो तीन दफ़ा चलते फिरते इसको रिवाइज कर लें, आपको याद हो जाएगा। अब इसी वर्ड से हम सारे के सारे बेस यूनिट इसी वर्ड से निकाल लेते हैं। एल से मुराद लेंथ, पहले एल से मुराद लेंथ, एम से मुराद मास, टी से मुराद टाइम। इसके लिए थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये वर्ड आपको याद हो जाए। और ई से मुराद इलेक्ट्रिक करंट, और टी से मुराद टेम्परेचर। मतलब आप एक टी को टाइम का नाम दे दें और दूसरे टी को टेम्परेचर का नाम दे दें, इसको आगे पीछे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर। और एल से मुराद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एल से मुराद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ए एस से एक ही वर्ड बनेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके पास ऐसा यूनिट है। इनको मैं एक दफ़ा फिलहाल 5 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। अच्छा, लेंथ से, लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट आप लोगों को पता है, लेंथ का यूनिट मीटर है। मास का यूनिट क्या है? केजी। मतलब अगर आप किसी चीज़ के मास लेना चाहते हो तो आपको केजी में लेना पड़ेगा। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है, मोल। ये आपके पास उनके यूनिट है। मतलब आपने एक वर्ड याद किया, लेम्प्टी टीलस, इससे आपके पास सारे के सारे ऐसा यूनिट बन गए, बेस यूनिट बन गए। बेस यूनिट में लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये 7 आपके पास, इनको याद रखना है। और किस वर्ड से याद रखना है? लेम्प्टी टीलस है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ आते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट आपके पास क्या होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली आपके पास दो ही होते हैं। एक आपके पास होता है प्लेन एंगल और एक आपके पास होता है सॉलिड एंगल। एक आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट, दो यूनिट होते हैं। एक आपके पास होता है प्लेन एंगल और दूसरा आपके पास होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल से क्या मुराद है? अगर आप किसी चीज़ का लेंथ, अगर आप किसी चीज़ का एंगल ले रहे हैं, फर्स्ट को मैं इसका, ये इसका आर्क है, ये इसके यहाँ पे मैं इसका एंगल ले रहा हूँ, तो ये आपके पास प्लेन एंगल में आ जाएगा। और इस प्लेन एंगल को हम शो करने के लिए हम हमेशा रेडियन का वर्ड यूज़ करेंगे। मतलब ये इसका यूनिट होगा। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। आर डी से इसको शो कर दे या आर ए डी से शो कर दे। सॉलिड एंगल क्या होंगे?
सॉलिड एंगल वो एंगल होंगे, मसलन ये तो हम सर्कल के टाइप में बना रहे हैं, सॉलिड एंगल वो एंगल होंगे जो मतलब आप फुटबॉल पे, फुटबॉल ले लें, जमीन ले लें, कोई गेंद ले लें, मत स्पेयर ले लें, सर्कल नहीं स्पेयर ले लें। अब स्पेयर के ऊपर अगर आप कोई एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सॉलिड एंगल की यूनिट का यूनिट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन मतलब एस टी से आप इसको शो कर सकते हैं या एस ए टी से या एस डी से शो कर सकते हैं। प्लेन एंगल के लिए अगर आप एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो ये रेडियन याद रखो, ये बेस यूनिट में आपको नहीं मिलेंगे, ये ड्राइव यूनिट में ये आपके पास नहीं मिलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट में आपके पास फिलहाल सिर्फ दो ये एंगल है, दो यूनिट है, एक प्लेन एंगल है मतलब जिसका यूनिट रेडियन है, और एक सॉलिड एंगल है जिसका यूनिट स्टेरेडियन है। प्लेन एंगल को हम टू डायमेंशनल में यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो मतलब आप कागज़ वागज़ पर बना सकते हैं, मतलब सर्कल वर्कल वगैरह कुछ बनाया तो आप उसके लिए प्लेन एंगल बना सकते हैं। सॉलिड एंगल वो चीज़ें जो मतलब आपके पास गोल हो, जैसे फुटबॉल, और फुटबॉल पे आप थोड़ी कागज़ पे बना सकते हैं, फुटबॉल तो मतलब थ्री डायमेंशनल में उभरा हुआ होता है, निकला हुआ होता है, तो उसके उसका अगर आपने कोई एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए आप स्टेरेडियन का वर्ड यूज़ करोगे। तो ये दो चीज़ें, ये सप्लीमेंट्री यूनिट में सिर्फ ये दो आ रही है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, स्टेरेडियन का यूनिट और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। अब ड्राइव यूनिट क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट वो यूनिट होते हैं जो आपके पास मिल करके बनाए गए, मतलब दो या तीन बेस यूनिट ले लें उनसे एक यूनिट बन जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट। दो या तीन यूनिट ले लें उनसे एक यूनिट बन जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट के बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं, यूनिट तो हम लोग बना लिए। ड्राइव यूनिट आपके पास बहुत सारे होते हैं, ड्राइव यूनिट मतलब आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ड्राइव यूनिट आप याद भी नहीं कर सकते। ड्राइव यूनिट वो यूनिट होते हैं जो आपके पास मिल करके बने होते हैं, मतलब दो या तीन यूनिट से मिल करके बने होते हैं। कौन से यूनिट से मिल करके बने होते हैं, बेस यूनिट से। दो या तीन बेस यूनिट मिल करके जब एक यूनिट बना लेती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट। अब मसलन जैसे फोर्स ले लें, फोर्स का फॉर्मूला आपके पास पता होगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम है, आप इसको ले सकते हैं। एफ इज इक्वल टू मतलब के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब के जी आपके पास क्या है, ये आप देख ले, के जी आपके पास क्या है, के जी आपके पास बेस यूनिट है, मीटर आपके पास बेस यूनिट है, सेकंड आपके पास बेस यूनिट। तो दो या तीन बेस यूनिट मिल करके एक यूनिट नया यूनिट बना रहा है और इसको हम लोगों ने न्यूटन का नाम दिया हुआ है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ड्राइव यूनिट है। अब ड्राइव यूनिट को मैं सिंपल समझाता हूँ, मसलन जैसे हम सालन बना रहे हैं, सालन के अंदर हमने टमाटर डाला, गोश्त डाला, कुछ और डाला, फिर मिक्स करके उसको एक सालन बनाया। अब ये सालन आपके पास क्या है, ड्राइव मिला हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बनाया गया हो, उसे हम लोग ड्राइव यूनिट कहते हैं। अब टमाटर आपके पास क्या है, बेस यूनिट। गोश्त आपके पास क्या है, बेस यूनिट, मतलब वो कुदरत की तरफ से आ रहे हैं, ये आपके पास बेस यूनिट होते हैं, मतलब जो आपके पास बेस होते हैं। तो इनमें से भी बेस, बेस का हमें पता है कि बेस सिर्फ सात है, उनको तो हम लोगों ने याद कर लिया एम टी टी एस के जरिए से। अब जितने भी आप बेस यूनिट को मिलाते जाएं, दो या तीन बेस यूनिट को मिला लें, उनसे एक नई यूनिट बन गई तो वो आपके पास ड्राइव हो जाएगी, तो उसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फोर्स इन का फार्मूले का आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि आप इन फार्मूले की मदद से ही आप यूनिट बनाना सीख जाओगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को फार्मूला आता होगा, पावर वगैरह, वर्क वगैरह सब चीज़ों का। वर्क का आपके पास के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको ये भी कह सकते हैं या आप इसको सिंपल में न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। वर्क आप क्या कह सकते हैं, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको सिंपल में न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। आप न्यूटन मीटर से मुराद क्या होगा, न्यूटन मीटर से ये मुराद होगा कि ये इसका ड्राइव यूनिट है, मतलब ये देखिए बेस यूनिट, बेस यूनिट, बेस यूनिट, दो तीन बेस यूनिट से मिल करके एक नई यूनिट बनाएगी और इसी को हम लोग क्या किस चीज़ का नाम दिया, इसी को हम लोगों ने ड्राइव यूनिट का नाम दिया हुआ है। एक्सेलेरेशन का देख ले, एक्सेलेरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ड्राइव यूनिट मीटर आपके पास बेस है, सेकंड आपके पास बेस है। पावर का देख ले, जोल पर सेकंड, जोल आपके पास मतलब जोल आपके पास यहाँ से बना हुआ है, जोल चूंकि ऊपर के उसमें आ रहा है तो जोल आपके पास क्या है, जोल, जोल आप यहाँ पे जोल भी लिख सकते हैं, जोल आपके पास या एनर्जी में भी इसको शो कर सकते हैं। जोल आपके पास क्या है, जोल मतलब ड्राइव, ये मतलब बेस, ड्राइव और बेस मिल करके एक बड़ी यूनिट बना रही, पावर के लिए यूज़ कर रही, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइव यूनिट। उम्मीद है आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर समझ आ चुका होगा, आप दो तीन दफ़ा इसी लेक्चर को रिपीट कर दें और बार बार देख लें तो आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारे किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर होगा, तो उसके लिए फिर बाद में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।